सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमी कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 4, जिसके हम मामा हैं। इस पाठ में लेखक शरद जोशी जी ने अपने लेख पर समाज और राजनीति में प्रतिदिन आती गिरावट पर तीखा प्रहार किया है। यह एक व्यंग कथा है। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे, तभी वहां एक लड़का दौड़ता आया, पैर छुए और बोला, मामा जी मैं मुन्ना। ये सुनकर वह चौंक गए। उन्होंने सोचा शायद बड़ा हो गया होगा क्योंकि इतने सालों बाद आया हूँ। मामा जी उस लड़के के साथ वाराणसी घूमने चले गए, मंदिर गंगा घाट पहुँचे तो सोचा स्नान कर लें। मामा जी अपना सामान व कपड़े रखकर उतार कर डुबकी लगाने चले गए। जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले, उनका सारा सामान गायब था और वह लड़का भी। वह तौलिया लपेट कर खड़े रहे। उनकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करें। चुनाव के आते ही नेता वोटरों के चरणों में झुक जाता है, पहचानने के लिए कहता है, प्रजातंत्र की डुबकी लगाते हैं, वह आपका वोट लेकर गायब हो जाता है जो आपके चरण छूता है और आपका और आप समस्या के घाट पर खड़े रह जाते हैं। तो ये शरद जोशी जी ने व्यंग कथा लिखी है। तो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, शब्द अपनी कॉपी में करिएगा। ओके स्टूडेंट्स।